हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक स्तरीकरण चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वर्ग, जाति, प्रजाति एवं लिंग के बारे में बताया गया है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास, कास्ट, रेस एंड जेंडर। तो इस चैप्टर को पूनम मैडम आप लोग को पढ़ा चुकी हैं और इस चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर जी एस घुरिया ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में भारतीय जाति प्रथा की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 4, डी 6 या 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 या 6। जी एस घुरिया ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में भारतीय जाति प्रथा की 6 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एवं वर्गीकृत प्राचीनतम मानव प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन ए मंगोलॉयड, बी इंडो आर्यन, सी द्रविड़ियन, डी आर्यो द्रविड़ियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रविड़ियन। भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम मानव प्रजाति द्रविड़ियन है, जो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं जो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ग निर्माण के आधार को कितने भागों में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7, डी 6 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भारतीय वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जीवन अवसर, बी विस्तृत सामाजिक संबंध, सी ऊंच नीच की भावना, डी वर्ग चेतना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विस्तृत सामाजिक संबंध, क्योंकि भारतीय वर्ग व्यवस्था में विस्तृत सामाजिक संबंध नहीं पाया जाता है। सामाजिक संबंध संकुचित होते हैं, कम होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, भारत में वर्ग निर्माण का आधार है डैश, ऑप्शन ए परिवार तथा नातेदारी, बी शिक्षा और धर्म, सी संपत्ति और आय, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगरों को आधुनिक संदर्भ में कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7, डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। वंशानुक्रम कहने का मतलब हो गया एक वंश में ही जो क्रमशः जन्म लेते जा रहे हैं उन्हें ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो क्वेश्चन है, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं या कास्ट कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए डॉक्टर घुरिया, बी सर हर्बर्ट, सी मजुमदार और मदान, डी कूले। इसका आंसर है ऑप्शन डी कूले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए
व्यवसाय का निर्णय, बी स्त्रियों की निम्न स्थिति, सी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, डी धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्त्रियों की निम्न स्थिति। ये भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मानव प्रजातियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 11, बी 7, सी 5, डी 9। इसका आंसर है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट है, जनजातीय जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय देवता का, बी विवाह के स्वरूप का, सी युवा संगठन का, डी परंपरावादी नेता का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी युवा संगठन का या युवा गृह का। नेक्स्ट है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन ए कूले, बी रिजले, सी मैकाइवर, डी मजुमदार। इसका आंसर है ऑप्शन डी मजुमदार। मजुमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज क्लास। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है। ऑप्शन ए आय, बी वर्ग, सी जाति, डी धर्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी जाति। भारतीय समाज में स्तरीकरण जो होता है, भारतीय समाज के लोगों को अलग अलग स्तरों में बांटने का प्रमुख आधार जो है वो जाति है। कास्ट के आधार पर ही समाज बटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि कास्ट तो हर धर्म में होता है, पर हिंदू धर्म के अनुसार जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये प्रमुख चार जातियाँ होती हैं जिसके हिसाब से समाज में लोगों का बंटवारा है और स्तरीकरण किया गया है, ठीक है। एक दो तीन चार ऐसे क्रम में हम लोग ऐसे पायदान पे रखते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इसे ही समाज का स्तरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह किस विद्वान का कथन है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी मैकाइवर एंड पेज, डी ऑगबर्न एवं निमकॉफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑगबर्न एवं निमकॉफ। नेक्स्ट है, हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जबकि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त हों। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए निमकॉफ, बी रिचर्ड लैपियर, सी मैक्स वेबर, डी कार्ल मार्क्स। ये कथन है ऑप्शन सी मैक्स वेबर का। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र में हम ग्रामीण अभिजात वर्ग को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर चुके हैं। ग्रामीण अभिजात वर्ग, रूरल एलिट क्लास। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8, डी 6। इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 या 6। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र में रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए किस प्रथा का अनिवार्य होना बताया गया है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी सामाजिक सौहार्द, सी सामाजिक धार्मिक शिक्षा, डी वर्ग प्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाति प्रथा। तो जाति प्रथा के आधार पर रक्त की शुद्धता को बनाए रखने का मतलब है कि जाति के अंतर्गत ये कि एक प्रमुख विशेषता होती है कि एक जाति के लोग अपनी जाति के अंदर ही
विवाह संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से विवाह को अपनी जाति में ही करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी की रक्त शुद्धता के बारे में हम आश्वस्त हो सकते हैं। इसीलिए रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा में जाति प्रथा का होना अनिवार्य बताया जाता है। नेक्स्ट है, महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है? ऑप्शन ए नारीवाद, बी सती प्रथा, सी महिला शिशु हत्या, डी सामाजिक कुप्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नारीवाद। नेक्स्ट है, व्यवसाय के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए डॉक्टर रिजले, बी डॉक्टर घुरिए, सी नेसफील्ड, डी मजुमदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेसफील्ड। नेक्स्ट है, यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके, तो चाहे इस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, एक प्रजाति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकाइवर, बी ऑकबर्न, सी के डेविस, डी मजुमदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मजुमदार। नेक्स्ट है और लास्ट है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन ए प्रथा, बी जन्म, सी धर्म, डी अर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जन्म। जाति का प्रमुख आधार जन्म है। किसी भी व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर ही निर्धारित होती है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम लोग सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।